एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पाठक सर की पाठशाला में। सभी स्टूडेंट्स को मैं विवेक पाठक का प्यार भरा नमस्कार और सलाम। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था कैलेंडर का पार्ट वन। इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू को देखेंगे, जो मेन टॉपिक है उन सभी को देखेंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे कैलेंडर को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं कैलेंडर कि पार्ट टू वाले वीडियो में टाइप नंबर वन का, इसका नाम है सेम ईयर कैलेंडर। सेम ईयर कैलेंडर, जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर होता है इसमें कि ईयर सेम होने वाला है। तो यदि ईयर सेम होने वाला है तो डिफरेंस किस में होगा? तो डिफरेंस होगा मंथ्स में। तो डिफरेंस जो आने वाला है वो मंथ्स में होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और आप लोग इसे समझने की कोशिश करें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि यदि 5 जनवरी 2007, 5th Jan 2007 वाज फ्राइडे, शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन था? सॉरी, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। यदि 5 जनवरी 2007 को फ्राइडे था तो 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन था? विच डे वाज ऑन 15th अगस्त 2007? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर लें स्टूडेंट, 2007 एक ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि लास्ट का दो डिजिट 7 4 से डिविजिबल नहीं है। और सेम यहाँ भी वही है कि 2007 है, मींस ईयर तो सेम है, तो डिफरेंस किसका है? डिफरेंस जो है वो है मंथ का। यहाँ 5 जनवरी है और हमें जो डेट चाहिए वो चाहिए 15th अगस्त का। कि कौन सा दिन था, जो डेट चाहिए वो चाहिए 15th अगस्त का। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जनवरी से हम अगस्त डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच में और भी बहुत सारे मंथ्स हैं जिनको लेकर चलना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, बेसिक ट्रिक, मान लीजिए अगर आप भूल भी जाते हैं तो बेसिक सभी को पता होता है कि बेसिक क्या है। तो पहले बेसिक को समझते हैं। तो 5 जनवरी 2007 फ्राइडे दिया गया है हमें, 15th अगस्त 2007 के बारे में निकालना है। तो जनवरी से अगस्त डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं, हर एक मंथ को पार करना है। तो यहाँ स्टूडेंट जनवरी का 5 दिन, क्योंकि यहाँ 5 जनवरी दिया गया है तो 5 दिन बीत चुका है, तो बचा कितना? तो बच गया 26 डेज जो हमें पार करना है जनवरी का। जनवरी के बाद आता है फरवरी मंथ, 2007 है, मीन्स ऑर्डिनरी है, और जब भी ऑर्डिनरी होगा तो फरवरी 28 डेज का होगा, तो हमें फरवरी पार करना होगा 28 डेज। उसके बाद मार्च 31 का मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त। तो अगस्त यहाँ पूरा मंथ नहीं लेना है स्टूडेंट्स, हमें वहीं तक जाना है जहां निकालना है। निकालना क्या है? निकालना है 15 अगस्त, तो हम लोग ले लिए अगस्त 15th। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में एक बात बताया था कि जब भी ईयर के बारे में जानना हो, ईयर के बारे में निकालना हो, तो वहां 4 से डिवाइड करना है, और जब भी डेज के बारे में बताना है, डेज के बारे में निकालना है या दिन निकालना है, तो वहां 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो सभी को हमने लिख लिया, 26 ये जनवरी है, 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 15 तक जा रहे थे, लिख लिए। सभी को 7 से डिवाइड करें तो सबको ऐड करने पर स्टूडेंट्स यहां पर आता है 222, मींस 222, और सभी को 7 से डिवाइड करेंगे तो 31 टाइम्स में कट गया, आ गया 217। रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 5। अब यहां ध्यान देना है कि यहां कैलेंडर को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर का वहां बहुत महत्व है, रिमाइंडर को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। रिमाइंडर यहाँ 5 आया, इसका मतलब ये नहीं कि वीक का 5th डेज, ठीक है? ध्यान देना स्टूडेंट कि सप्ताह का कोई भी पहला दिन कोई भी आखिरी दिन नहीं होता है, ठीक है? रिमाइंडर 5 आया है तो हम लोग को करना क्या है? तो रिमाइंडर जब भी 5 आएगा तो यहाँ जो भी दिन दिया गया है, यहाँ फ्राइडे दिया गया है, और क्योंकि हमें जनवरी से अगस्त जाना है, मीन्स आगे की तरफ जाना है, तो जो भी रिमाइंडर दिया हुआ होगा, जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्राइडे से 5 डेज आगे जाना है, ठीक है? तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, ये था बेसिक तरीका, ये कंप्लीट बेसिक तरीका है। अब आते हैं ट्रिक पे।
ट्रिक को समझ ले। ट्रिक क्या है कि फोर टाइप्स के मंथ हैं, एक है 28 डेज का, एक है 29 डेज का, एक है 30 और एक है 31। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टोटल 7 मंथ ऐसा है जो 31 डेज का होता है, 4 मंथ ऐसा है जो 30 डेज का होता है, 1 मंथ जिसे हम फरवरी कहते हैं वो ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज का है और लीप ईयर में 29 डेज का है, ठीक है। बाकी बाकी 28 डेज तो हर मंथ में है, 30 में भी है, 21 31 में भी है, 29 डेज का भी सेम है, इसमें भी है, 30 डेज में भी है और 31 डेज में है। जब भी हम 28 दिन कंप्लीट 28 दिन पार करेंगे, 28 डेज या फिर कोई 28 का महीना जैसे फरवरी मंथ को पार करेंगे, तो हमें पता है कि वो 28 दिन में क्या है, वही वीक का 7 डेज बार बार रिपीट है। तो वीक का 7 डेज बार बार रिपीट है, 28 को 7 डेज से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब इसका मतलब समझते हैं, यदि किसी मंथ को हम लोग पार कर रहे हैं और वो मंथ 28 डेज का है, 28 डेज का है, तो उसके प्लेस पर हम 28 लिख लें तो भी हमारा आंसर आएगा, और उसके जगह पर जीरो या तो जीरो लिख लें या कुछ भी ऐड ना करें तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब 29 डेज को पार करेंगे तो 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में 28 रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमने बताया था कि रिमाइंडर को छोड़ना नहीं है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। मीन्स या तो हम 29 डेज को लिख लें या 29 के प्लेस पर 1 को भी लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से 30 का मंथ पार करेंगे या 30 दिन पार करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में आएगा 28, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मीन्स 30 के प्लेस पर अगर हम 2 को भी ऐड करें तो आंसर हमारा वही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, जिसे हम मुझवानी भी कर सकते हैं। और लास्ट 31 डेज का मंथ, या तो 31 डेज को पार करेंगे या किसी मंथ को पार करेंगे जो 31 डेज का होगा, उसे 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में 28 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 3। रिमाइंडर 3 मीन्स 31 के प्लेस पर हम 3 को भी ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ 31 है तो 31 के प्लेस पर हमने 3 लिख लिया, 28 है उसके प्लेस पर हम लोग 0 भी कर सकते हैं, 30 उसके प्लेस पर कितना तो 2, 31 के प्लेस पर 3 एंड 15 है। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी दिन निकालना हो जो 7 से अगर बड़ा हो, 8, 9, 10 कुछ भी बड़ा हो, उसे 7 से डिवाइड करेंगे, कट जाता है 7 से तो उसके प्लेस पर 0 कर लेंगे, और नहीं कटता है तो कुछ रिमाइंडर आएगा, जितना रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेंगे। जैसा इस 15 के बारे में, तो 15 हम लोग लिख रही है, 15 की जगह पर क्या लिख सकते थे, तो 15 है 7 से डिवाइड करते तो 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर कितना होता 1, तो यहाँ 1 लिख लेते। ध्यान ये देना है और समझना ये है कि बेसिक में एक बार बेसिक में सही सही से जोड़ लेना है, 7 से डिवाइड किए हैं रिमाइंडर 5 आया है। ट्रिक जब अप्लाई करेंगे तो ट्रिक से भी याद रखना है कि रिमाइंडर जो है वो सेम ही होगा, सिर्फ ये जो कैलकुलेशन, ये जो 222 आया है वो इजी हो जाएगा। जैसे जैसे इसी क्वेश्चन को बाय ट्रिक हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वही क्वेश्चन है, फिर से 5 जनवरी 2007 फ्राइडे है, 15 अगस्त 2007 के बारे में निकालना है। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या करना है, या तो आप अपने फिंगर पे काउंट कर लें डेज को, या फिर प्रैक्टिस अगर नहीं है तो पहले आराम से प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले जनवरी 5 डेज जो हम लोग बिता चुके हैं, जाना है रेस्ट कितना 26, तो 26 को हम लोग 7 से डिवाइड कर लिए हैं, 3 टाइम्स में 21, रिमाइंडर कितना तो रिमाइंडर आएगा 5, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। जनवरी के बाद आता है फरवरी मंथ, फरवरी क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है, 28 डेज कंप्लीट, 28 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो वही 4 से कटेगा, रिमाइंडर कितना 0 जो मैंने बताया था, तो यहाँ 0 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से मार्च 31 डेज का है तो 3, मार्च के बाद अप्रैल मंथ 30 का है तो 2, उसके बाद आता है मई, तो मई होता है 31 डेज का तो हो गया 3, मई के बाद आया जून 30 डेज का तो होगा 2, उसके बाद आता है जुलाई 31 डेज का होता है तो होगा 3, उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त मंथ होता है 31 डेज का, लेकिन हमें जाना है 15 तक, तो 15 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया भाई, 2 टाइम्स में 14,
रिमाइंडर कितना, तो वन, सबको हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे डेज निकालना है तो सेवन से डिवाइड, ऐड करने के बाद आता है 19, 19 को सेवन से हमने डिवाइड किया टू टाइम्स में 14, रिमाइंडर आया 5। मैंने बताया था कि रिमाइंडर सेम होने वाला है, तो रिमाइंडर आ गया 5, मीन्स फ्राइडे से 5 दिन आगे आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग चेक कर लें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि 15 अप्रैल 2008 वाज ट्यूजडे, देन विच डे वाज ऑन 16 सितंबर 2008। यदि 15 अप्रैल 2008 मंगलवार था तो 16 सितंबर 2008 को कौन सा दिन था? अब वही बात है, 2008 है यहाँ पे लिखा हुआ 2008, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट है 08, 08 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 2008 जो है वो एक लीप ईयर है। पर क्या यहाँ हमें लीप ईयर से कुछ लेना देना है? तो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट कि लीप ईयर से तभी ध्यान देना है जब फरवरी मंथ आएगा। यहाँ अप्रैल से सितंबर जा रहे हैं, मीन्स फरवरी मंथ जो है वो बीत चुका है, अब हमें लीप ईयर वगैरह कुछ ऐसा कुछ खास चेक करने का जरूरत नहीं है। सॉरी, तो आइए इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है 15 अप्रैल 2008 वाज ट्यूजडे, देन 16 सितंबर 2008 को क्या होगा? फिर से वही चीज है कि अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ है तो जिसका हम लोग 15 डेज बिता चुके हैं, क्योंकि अप्रैल 30 डेज का होता है, 30 डेज का टोटल मंथ है, 15 डेज बीत चुका है, रेस्ट बच गया 15 जो हमें पार करना है। 15 को 7 से डिवाइड कर लिए हम लोग तो रिमाइंडर 1, उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई, 31 तो 3, जून 30 तो 2, फिर आता है जुलाई 31 तो 3, फिर आता है अगस्त 31 3। हमें बताया था कि जुलाई अगस्त दो लगातार ऐसा महीना है जो 31 का होता है। उसके बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर में कंप्लीट नहीं जा रहे हैं, 16 तक जा रहे हैं, तो या तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर 16 को ऐड कर लें, या 16 को हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर आया तो नो रिमाइंडर को लिख दी, क्योंकि यहाँ भी सारा कुछ रिमाइंडर ही लिखा हुआ है, सबको ऐड कर लिए, आया 14, 14 को 7 से डिवाइड किए कट गया 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या आया 0। जब भी कंप्लीट 7 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि रिमाइंडर 0 का मतलब है कि यहाँ जो दिन दिया गया है सेम डे आंसर होने वाला है, दिन दिया गया है ट्यूजडे तो आंसर भी होगा ट्यूजडे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है रिमाइंडर 0 मीन्स सेम डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 2, 1 ईयर गैप। लास्ट वीडियो में भी स्टूडेंट्स मैंने समझाया था 1 ईयर गैप का मतलब क्या होता है। 1 ईयर गैप मैंने एक सिंपल तरीके से उसमें बताया था कि हमारा जब डेट सेम होगा, जब हमारा मंथ सेम होगा, सिर्फ ईयर में 1 ईयर का डिफरेंस होगा तो क्या होगा। ठीक है, जब भी हम ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, और जब भी हम ऑर्डिनरी से लीप जाएंगे तो सिर्फ फरवरी मंथ को चेक करना है कि किसका आया है। फरवरी मंथ यदि 28 का तो 1 दिन बढ़ाएंगे, फरवरी मंथ यदि 29 का तो हम लोग 2 दिन पढ़ाएंगे। तो वो था 1 ईयर गैप में। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए डेट और मंथ अगर सेम नहीं है तब क्या करेंगे, तो वो सारा कुछ अब इस वीडियो में हम लोग को समझना है। तो टाइप 2 1 ईयर गैप का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि 15 मार्च 2011 को सोमवार था तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? आप यहां पर ध्यान देना है स्टूडेंट कि 15 मार्च और यहां भी 15 मार्च, मतलब डेट और मंथ सेम है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी मार्च और यहाँ भी मार्च, मीन्स डेट और मंथ सेम। 2011 है और यहाँ 2012, ठीक है, 2011 है और यहाँ 2012 है, 1 ईयर का गैप है। अब ध्यान देना है ईयर पे, तो 2011 जो है एक ऑर्डिनरी ईयर है और 2012 एक लीप ईयर है, लेकिन हमने कहा था कि हमें मतलब है कि फरवरी मंथ आया है तो किसका आया है। जब 15 मार्च 2011 से जब 15 मार्च 2012 जा रहे हैं तो टोटल 12 मंथ्स आए हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि 15 मार्च 2011 से चलने के बाद 2011 का फरवरी तो बीत चुका है, अब जो नेक्स्ट जो फरवरी मंथ आ रहा है वो आ रहा है 2012। ठीक है, और 2012 क्योंकि एक लीप ईयर है, इसमें फरवरी होगा 29 दिन का, और जब भी फरवरी मंथ होगा 29 दिन का तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 दिन बढ़ाते हैं, 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो 15 मार्च 2011 मंडे था, उससे हम लोग 2 दिन आगे बढ़ गए, तो 15 मार्च 2012 हो जाएगा वेडनेसडे।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू में कहता है, यदि 25 मई 2013 को गुरुवार था, मीन्स थर्सडे था, तो 28 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि 2013 है, यहाँ 2014 है, ईयर तो सेम है नहीं, 1 ईयर गैप है, लेकिन यहाँ 25 मई है और यहाँ 28 नवंबर है, मींस ना ही डेट सेम है और ना ही मंथ सेम है। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं एक तरीका बता देता हूँ कि हमें पता है कि 25 मई 2013 को थर्सडे था, यदि हम लोग 25 मई 2013 से कंप्लीट 1 ईयर आगे चले जाए खुद से, तो वो हो जाएगा 25 मई 2014। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि 25 मई 2013 से हम लोग चले जाते हैं 25 मई 2014, जैसे मैंने यहाँ किया है, डेट को सेम रखने रखने दिया है, मंथ भी सेम है, 2013 से 2014 चले गए, तो 13 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 14 भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो थर्सडे से हम लोग आ गए फ्राइडे, एक दिन बढ़ गए। तो अब क्या हो गया, ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से ये हो जाएगा कि हम लोग ईयर को सेम कर लेंगे, ये जो ईयर था, क्योंकि हमें निकालना है 28 नवंबर 2014। अब हम लोग जान चुके हैं कि 25 मई 2014 क्या था, हम लोग ईयर को सेम कर लिए, और जैसे ही ईयर को जब सेम कर लिए तो हम लोग चले गए किस पे, तो टाइप नंबर वन। तो हम लोग टाइप नंबर वन में चले गए, और टाइप नंबर वन हम लोग सारा कुछ जानते हैं कि 25 मई, मई 31 डेज का मंथ है, 25 डेज निकल चुका, रेस्ट कितना डेज, तो रेस्ट हो गया 6, हम लोग लिख लिया 6। अब मई के बाद आता है जून, जून होता है 30 का महीना, 30 का कोड कितना, तो 2, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब आया हमारा नवंबर। अब यहां ध्यान देना स्टूडेंट, जो मैं समझा रहा था, जो ट्रिक बता रहा था, 28 डेज है, और हमने बताया था कि जब 28 दिन आए या 28 का मंथ है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में करिए, रिमाइंडर क्या होगा, 0। देखिए हमने यहाँ 0 लिख लिया, चाहे तो हम 3 तक ही लिखते छोड़ देते, लेकिन ये 0 मैंने इसलिए मेंशन किया कि मुझे पता चले कि मैंने नवंबर मंथ को काउंट कर लिया है। ठीक है, मैंने क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि छोड़ देते हैं इसे, उसके बाद फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वो मंथ मैंने ऐड किया या नहीं किया, तो आप उसे लिख लें एक बार, 0 लिखना है, ऐड तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ लिख लेना है, और डेज निकालना है, तो सभी को 7 से डिवाइड करते हैं, सभी को ऐड करते हैं, तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, + 3 14, 14 + 5 19, 19 को हमने 7 से डिवाइड किया, 2 टर्म्स में 14, रिमाइंडर आया 5, और रिमाइंडर 5 का मतलब है कि फिर से वही फ्राइडे से 5 डेज आगे आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि 14 जुलाई 2008 को शनिवार था, तो 8 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां 18 के बारे में बताया है कि 14 जुलाई 2018 सैटरडे, और यहाँ 8 जनवरी 2017 के बारे में पूछा गया है। तो एक बात मैं बता दूं कि यहाँ इस बार आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, ठीक है, पीछे के मंथ में जाना है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना, सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे थोड़ा सा चेंज है। तो पहले समझते हैं, 14 जुलाई 2018 सैटरडे था, तो हम 14 जुलाई 2018 से यदि 14 जुलाई 2017 चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ईयर को सेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर 19 लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं, 19 नहीं समझते हैं, इसको 19 समझ लेते हैं, इसे 19 और इसे 18, ठीक है। तो 14 जुलाई 2019 मान लिए कि सैटरडे था, तो अब हम लोग एक साल पीछे चले जाते हैं, तो 14 जुलाई 2018 कर लेते हैं, 19 भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है और 18 भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसी चीज को अगर मैं उल्टा समझा दूं कि 2018 से यदि 2019 जाते थे, डेट और मंथ सेम होता था, तो हम लोग एक दिन को इंक्रीज करते थे, लेकिन यहाँ रिवर्स है, 19 से 18 जा रहे हैं, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जा रहे हैं एक साल पीछे, तो क्या करेंगे,
एक दिन पीछे चले जाएंगे। 18 से 19 जाने में प्लस वन था, तो 19 से 18 जाने में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वन। तो सैटरडे से एक दिन पीछे आ गए, वो हो गया फ्राइडे। अब क्योंकि हम लोग ईयर को सेम कर चुके हैं तो डेट और मंथ का काम वही टाइप नंबर वन का काम करना है। जुलाई है और यहाँ जनवरी है, ठीक है। तो हम लोग को जुलाई से जनवरी नहीं जाना है फ्रेंड्स, हम लोग को जनवरी से जुलाई ही जाना है। सारा प्रोसेस वैसा ही करना है। जनवरी क्योंकि 31 डेज का होता है, 8 डेज हम लोग बिता चुके हैं, रेस्ट कितना बचा, तो रेस्ट बच गया 23 डेज। या तो हम यहाँ पर 2 के प्लेस पर 23 लिख लें, या फिर 23 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, 3 टाइम्स में 21, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो हमने 2 लिख लिया। जनवरी के बाद फरवरी 28 डेज का है तो 0, फिर मार्च 31 डेज का है तो 3, उसके बाद अप्रैल मई जून और जुलाई जा रहे हैं 14 तक। या तो यहाँ 14 लिख लें, या 14 को 7 से डिवाइड कर लिए, 2 टाइम्स में पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सभी को ऐड करते हैं तो आता है 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 7, रिमाइंडर आ जाएगा 5। मींस फ्राइडे से 5 दिन आगे ठीक है नहीं जाना है, या जाना है ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां जो आ रहा है हम लोग को जो पता है वो है फ्राइडे के बारे में, यहां आगे नहीं जाना, यही तो ट्विस्ट ठीक है। तो 14 जुलाई 2018 फ्राइडे, और हमें बताना है 8 जनवरी 2018, जुलाई से जनवरी, ये तो आगे नहीं जाना है, ये तो पीछे जाना है। और रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 5। अब यहाँ ध्यान ये देना कि या तो 5 दिन पीछे चले जाएं, या फिर इस 5 को 7 कंप्लीट करने में कितना चाहिए, तो 2 चाहिए। या तो 5 दिन पीछे चले जाएं फ्राइडे से, या 2 दिन आगे, आंसर आएगा संडे। तो फ्राइडे से 2 दिन आगे चले गए तो भी संडे, पीछे जाएंगे 5 दिन तो भी होगा संडे, आंसर हो जाएगा संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यदि 5 अक्टूबर 2017 को गुरुवार था तो 18 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। फिर से वही चीज है कि 5 अक्टूबर 2017 थर्सडे, तो 18 फरवरी 2016, फिर से यहाँ वही बात है, ईयर गैप है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है उसको समझ लें। 5 अक्टूबर 2017 थर्सडे और 5 अक्टूबर 2016 वेडनेसडे, जैसा कहीं मैंने यहाँ पे लिखा है। सॉरी, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण सेकेंड वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम, जैसे आपको पता भी चल रहा है कि सर्दी और खांसी से वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं मुझे। तो 5 अक्टूबर 2017 वाज थर्सडे, देन 5 अक्टूबर 2016 ठीक है। तो 17 से 16, अब यहां 16 देखना है कि लीप ईयर है, 17 ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन हम लोग पीछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 5 अक्टूबर जब 2017 से जब 2016 की तरफ चल रहे हैं, तो पीछे का मंथ आ रहा है अक्टूबर से पहले, सितंबर उसके पहले, फिर अगस्त, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ फरवरी मंथ जो आया किसका आया, तो फरवरी मंथ आया 2017 का, 2016 का भी नहीं आया। मींस यहाँ पर अभी एक दिन ही पीछे करना है, तो हम लोग थर्सडे से 1 डेज रिवर्स चले गए, आ गया वेडनेसडे। अब हम लोग ईयर को सेम कर चुके हैं और हमें निकालना है 18 फरवरी के बारे में, तो 18 फरवरी से 5 अक्टूबर की तरफ चलते हैं। 2016 है तो अब तो ये क्लियर है, 2016 में क्योंकि 2016 लीप ईयर है, तो फरवरी मंथ 29 डेज का होगा, और 29 डेज को में 18 डेज निकल चुका है, बच गया 11। या तो हम 11 को ऐड कर लें, या 11 को हमने 7 से डिवाइड कर लिए, 2 1 टाइम्स में 11, रिमाइंडर कितना 4 लिखिए। ठीक उसी प्रकार से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 2 लगातार ऐसा मैंने जो 31 डेज का यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद सितंबर और लास्ट अक्टूबर, सभी को ऐड करने के बाद आता है 27। 27 को 7 से डिवाइड करने के बाद 3 टाइम्स में 21, रिमाइंडर आ गया 6। मतलब या तो 6 दिन पीछे चले जाए, या इसको 7 कंप्लीट करने में 1 चाहिए, या फिर एक दिन आगे, तो हम लोग वेडनेसडे से एक दिन आगे चले गए, आंसर हो जाएगा थर्स।
डे। नेक्स्ट हमारा टाइप फोर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट्स, काउंटिंग ऑफ लीप ईयर। इसे समझना बहुत जरूरी है। काउंटिंग ऑफ लीप ईयर से हम लोग बहुत ज्यादा ईयर गैप भी अगर हो, मींस 50 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, जितने भी ईयर का डिफरेंस हो, गैप हो, ठीक है, हम लोग ईयर गैप को कम कर सकते हैं, या फिर 400 साल पीछे 400 साल आगे किसी डेट, पर्टिकुलर डेट के बारे में बता सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था। भाई समझते हैं काउंटिंग ऑफ लीप ईयर को। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है, यदि 10 अप्रैल 2010 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2010 सैटरडे था, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 अप्रैल है या 15 अगस्त है, डेट सेम नहीं है और ना ही मंथ सेम है। ईयर की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि काउंटिंग ऑफ लीप ईयर का मतलब है कि ईयर का डिफरेंस ज्यादा होगा ही होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, जैसे टाइप नंबर वन में जो हम लोग करते आए थे, कि पहले डेट को और मंथ को पहले हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पर ईयर सेम पहले नहीं किया जा सकता है, तो डेट और मंथ को सबसे पहले सेम किया जाएगा। तो 10 अप्रैल 2010 वाज सैटरडे, और 15 अगस्त के बारे में हमें बताना है, तो हम लोग जो निकालेंगे 15 अगस्त, वो पहले सबसे पहले 2010 के बारे में ही निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो अप्रैल 30 का महीना, 10 दिन बीत गया, बचा 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर इज 6। अप्रैल के बाद फिर मई, जून, जुलाई, अब आता है अगस्त, 15 तक जाना है, 15 बाय 7 करेंगे, 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर 1, ऑल डिवाइडेड बाय 7। सभी को हमने ऐड कर लिया है, 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में आएगा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1। हमें पता है क्या करना है, अप्रैल से अगस्त जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एक दिन आगे चले जाएंगे, तो सैटरडे से एक दिन आगे आगे हो गया संडे। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना है कि अभी हमने निकाला है 15 अगस्त 2010। अब डेट हमने सेम कर लिया 15 और 15, मंथ हमने सेम कर लिया अगस्त और अगस्त, अब बचता है ईयर, ईयर के बारे में जानना है। तो अब यहाँ समझते हैं कि 2010 से 2022 जा रहे हैं, पहले हम लोग वर्बली कुछ बातों को समझ लेते हैं कि 10 से 22 जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऑर्डिनरी ईयर भी है, कुछ लीप ईयर भी है। तो यहाँ स्टूडेंट अगर सबसे पहले हम लोग इजी वे में समझें, तो अगर हम लोग 10 से 22 जा रहे हैं, 12 साल आगे जा रहे हैं, राइट, अगर इस 12 साल में हम सभी को समझ लें कि सभी के सभी ऑर्डिनरी ईयर है, तो हमें पता है कि अगर डेट और मंथ सेम हो और हम लोग एक साल आगे जाते हैं, तो +1 करते हैं। तो यहाँ अगर मैं ये कह लूँ कि सभी का सभी जो 12 साल है वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो 12 दिन आगे, मीन्स संडे से 12 दिन आगे, ठीक है, संडे से 12 दिन आगे जाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या करना है कि इस 12 साल में कुछ लीप ईयर भी है, और जब लीप ईयर आता है तो वहां +1 नहीं +2 होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर सभी को हम लोग ऑर्डिनरी मानते हैं, तो +12 तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। अब जो बचा लीप, लीप में +2 करते हैं तो एक्स्ट्रा 1 बचा हुआ है, तो हमें यही काउंट करना है कि कितना लीप ईयर आया, जहां पे 1 के प्लेस पे हम लोग 2 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहां समझते हैं हम लोग, डेट सेम मंथ सेम, बड़े वाले ईयर में छोटे वाले ईयर को घटाते हैं, तो आया 12। अब हमें ये पता करना है कि इस 12 ऑर्डिनरी अगर काउंट करते हैं तो 12 तो हो गई, लेकिन कुछ लीप ईयर भी है, तो इस 12 साल में कितना लीप ईयर। तो उसके लिए एक टर्म आया है, काउंटिंग ऑफ लीप ईयर। अब काउंटिंग ऑफ लीप ईयर को हम लोग समझते हैं, तो काउंटिंग ऑफ लीप ईयर मैंने यहाँ पे साइड में बताया कि कैसे करना है, कि जो भी ईयर दिया गया है, ठीक है, जो भी ईयर दिया गया है उसके जस्ट बाद वाला लीप ईयर लेना है, 2022, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है, और इसके जस्ट बाद जो लीप ईयर आता है वह है 2024। ले लिया हमने 2010 एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसके बाद जस्ट बाद जो लीप ईयर आता है वह 2012, हमने इसे भी ले लिया, दोनों को माइनस कर लिए, माइनस करने के बाद आता है 12, और इस 12 को डिवाइड करना है किससे, तो 4 से, क्योंकि लीप ईयर हर 4 ईयर में आता है, 4 से डिवाइड करने के बाद ये 3 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है स्टूडेंट्स की, यहाँ हम लोग जो भी काउंटिंग ऑफ लीप ईयर करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा माइनस करने के बाद, उसे 4 से डिवाइड करना है, और वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर का जो डिफरेंस है वो हमेशा 4 के मल्टीपल में होता है, तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स हमने यहाँ पर कहीं गलत किया है।
तो 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आया, मींस इस 12 साल में कितना लीप ईयर आया, तो 3, तो हमने और 3 ऐड कर लिया क्योंकि ये डेज है, एक्स्ट्रा डेज है। 15, 15 को 7 से डिवाइड कर लिए, 2 टाइम्स में होता है क्या, 14, रिमाइंडर कितना आया, 1, रिमाइंडर 1 मींस संडे से एक दिन आगे चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा मंडे। मैं फिर से समझा देता हूँ कि काउंटिंग ऑफ लीप ईयर होता क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी ईयर दिया हुआ रहेगा चाहे वो लीप ईयर ही क्यों ना हो, सिर्फ ये चेक करना है क्या वो ईयर लीप ईयर बना है। अगर लीप ईयर बन चुका है तो नेक्स्ट लीप ईयर को लेंगे, और अगर लीप ईयर नहीं बना है तो उसी ही लीप ईयर काउंट करेंगे। तो यहाँ 2022 है, इसके बाद जो लीप ईयर आता है वो है 2024, और यहाँ 2010 है, उसके बाद जो लीप ईयर आता है वो 2012। माइनस कर लिए, माइनस करने के बाद 12 आया, उसको 4 से डिवाइड कर लिए, आया 3, मीन्स 3, उस बीच में 3 लीप ईयर है। अगर आप काउंट भी कर लेंगे तो 3 लीप ईयर होगा, जैसे कि 10 के बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो आएगा 12, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद 24 आएगा, मींस लेकिन हमें 24 तो जाना है नहीं क्योंकि यहाँ 22 ही है, तो 3 लीप ईयर आया है और उसी 3 लीप ईयर को यहाँ हमने काउंट किया है, तो आंसर होगा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें कुछ और बातों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि 1 मई 2020 को शुक्रवार था तो 14 नवंबर 2048 को कौन सा दिन होगा। फिर यहाँ वही बात है कि पहले डेट और मंथ को हम लोग सेम करेंगे, फर्स्ट में से 14 नवंबर को निकालते हैं, फ्राइडे था फर्स्ट में, 2020 फ्राइडे है, और हमने निकाल दिया है मई, 31 का महीना, 30 दिन रेस्ट बचता है, तो 30 का कोड है 2, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 14 तक जा रहे हैं, 14 कंप्लीट डिवाइड है 7 से, रिमाइंडर हो जाएगा 0, सभी को हमने ऐड कर लिया, आया 15, 15 बाय 7, 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर 1 मींस एक दिन आगे, फ्राइडे से एक दिन आगे आगे हो गया सैटरडे, मींस हमने डेट और मंथ को कर लिया सेम। अब ईयर की बारी आती है, तो बड़े वाले साल में छोटे वाले साल को घटाना है, 2048 में हमने 2020 को माइनस कर लिया, आया 28 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी ईयर डिफरेंस लेने के बाद कुछ वैसा डिजिट आ जाए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ और इस चीज को समझाता हूँ कि जब भी ईयर डिफरेंस लेने के बाद, ईयर डिफरेंस मीन्स बड़े वाले साल में छोटे वाले साल को माइनस करना, 48 में हमने 20 माइनस किया, 28। अब काउंटिंग ऑफ लीप ईयर चाहे तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। क्या ये 28 4 से डिवाइड होता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 28 डिवाइड होता है 4 से, कितने बार में, तो 7 टाइम्स में, तो बस यही है हमारा लीप ईयर, ये 7, ठीक है, मींस इस 28 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 7 लीप ईयर आएगा, हमने 7 को ऐड कर लिया, फिर 7 से डिवाइड कर लिया, 28 प्लस 7 35 बाय 7, 5 टाइम्स में कंप्लीट कर दिया, रिमाइंडर आया 0, मींस सेम डे, सेम डे मींस यहां अगर सैटरडे था तो आंसर होगा सैटरडे। अब मैं काउंटिंग ऑफ लीप ईयर करके बताता हूं, तो 48 खुद एक लीप ईयर है लेकिन ये ऑलरेडी लीप ईयर बन चुका है, तो इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2052। 20 भी एक लीप ईयर है लेकिन ये ऑलरेडी लीप ईयर बन चुका है, तो इसके बाद आएगा 24, ठीक है, डिफरेंस हम लोग लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ आएगा 28, 28 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कट जाएगा कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, यही तो हुआ यहाँ, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स जब भी ईयर डिफरेंस लेने के बाद ऐसा डिजिट आ जाए जो 4 से डिवाइड होता हो, तो उसे वहीं पर 4 से डिवाइड कीजिए और जो भी आएगा उसे वहां ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर मैंने बता दिया है कि आपका आंसर संडे आना चाहिए। क्वेश्चन है, यदि 7 जून 2017 को रविवार था, संडे था, तो 11 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यह भी इंपॉर्टेंट है, कुछ समझाने के लिए है इसमें, इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया है। यदि 29th मार्च 1875 को मंगलवार था, ठीक है, 1875 को मंगलवार था, मींस ट्यूसडे था, तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही कि डेट को और मंथ को सेम, 29 मार्च 1875 ट्यूसडे, 17 सितंबर निकालना है सबसे पहले 1875 का, तो मार्च 31 डेज का होता है, 29 डेज बीत चुका, बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन हमने ले लिया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सभी को हमने ऐड कर लिया, 18 बाई 7, 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर आ गया 4, मीन्स ट्यूजडे से 4 दिन आगे,
तो यहाँ आ गया सैटरडे, मीन्स 17 सितंबर 1875 जो होगा वो हो जाएगा सैटरडे। अब हमारा ईयर तो 2011 बड़ा है, 1875 छोटा है। 2011 क्योंकि यहाँ डेट सेम मंथ सेम, 2011 में हमने 1875 को माइनस किया तो 136 ईयर्स हो गए। क्या ये वन, क्योंकि अब यहाँ पर काउंटिंग ऑफ लीप ईयर करना है, तो एक बार चेक कर लें क्या ये 136 फोर से डिवाइड होता है। तो जी हाँ बिल्कुल डिवाइड होता है, ये 136 फोर से डिवाइड होता है 34 टाइम्स में, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 34 टाइम्स में ये डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ हमने 34 ऐड नहीं किया है, यहाँ हमने 33 ऐड किया है। अब ये फंडा को हम लोग समझते हैं क्यों यहाँ पर 33 ऐड है। साइड में आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, इस बॉक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये काउंटिंग ऑफ लीप ईयर बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये काउंटिंग ऑफ लीप ईयर क्या बताना चाह रहा है, तो इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि लीप ईयर का फंडा कि जो भी ईयर दिया हुआ है जस्ट उसके बाद का लीप ईयर लेना है। 2011 के बाद जो लीप ईयर आता है वो 2012, और 1875 के बाद जो लीप ईयर आता है वो 1876 है। दोनों के बीच का आपने डिफरेंस लिया तो 136 ईयर आया। इस 136 ईयर को हम लोग फोर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग फोर से डिवाइड करते हैं तो 34 टाइम्स में डिवाइड हो गया। यहां तक सारा कुछ सही है, लेकिन यहाँ 33 है, इसका रीजन क्या है? तो मैं क्लियर कर दूं कि जब 136 साल आगे जा रहे हैं, 1875 से 2011 मींस 136 ईयर फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तब क्या हुआ होगा कि बीच में जैसे 76 जब हम लोग 24 ईयर्स जब आगे गए होंगे, ठीक है, जब 24 ईयर्स जब आगे गए तो बीच में एक 1900 भी आया, 1900। अब ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था क्या होता है सेंचुरी ईयर, तो ये एक सेंचुरी ईयर है। और जब भी सेंचुरी ईयर आता है तो उसे फोर से नहीं 400 से डिवाइड करता है, इसे फोर से नहीं 400 से डिवाइड करना। और जब 1900 को जब 400 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है। अब यहां एक बात को और क्लियर कर दूं कि जब काउंटिंग ऑफ लीप ईयर किए तो ये 1900 इसी में ऐड था और उसे हमने फोर से डिवाइड किया था, और फोर से ये डिवाइड हो जाता है। जबकि रूल ये है कि सेंचुरी ईयर को फोर से नहीं 400 से डिवाइड करना था। तो यहां दो सेंचुरी ईयर आया है, एक 1900 आया है और एक 2000 आया है, ठीक है। तो दोनों को फोर से नहीं 400 से डिवाइड करना है, तो जब 1900 को जब फोर से डिवाइड करते तो ये डिवाइड नहीं हुआ, मीन्स जितना भी लीप ईयर आया है उसमें से एक माइनस होगा। और जब फिर हम लोग 2000 को जब हम लोग 400 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड हो जाता है, मीन्स सिर्फ 1900 डिवाइड नहीं हुआ, एक लीप ईयर एक्स्ट्रा काउंट है जिसे हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहां पर हमने 34 में से एक माइनस किया, 33 आता है, 33 को हमने ऐड कर लिया, 7 से डिवाइड कर लिया, 169 को 7 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स में 168, रिमाइंडर कितना आता है 1। अब यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हम लोग 2011 से 1875 जा रहे हैं, मीन्स पीछे जा रहे हैं, तो सैटरडे से एक दिन पीछे चले गए, आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1875 से 2011 जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो सैटरडे से एक दिन आगे चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा संडे। तो यहां जो पॉइंट समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी कोई सेंचुरी ईयर आएगा, ठीक है, ईयर का डिफरेंस जब भी हम लोग चेक करेंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, जब भी कोई सेंचुरी ईयर आएगा तो उसे चेक कर लेना है कि वो जो सेंचुरी आया है वो ऑर्डिनरी है या लीप है। अगर ऑर्डिनरी आया है तो जितना भी लीप ईयर आएगा उसमें उसको माइनस करेंगे, और अगर लीप सेंचुरी ईयर आया है तो जितना भी लीप ईयर आया है एज इट इज उसको छोड़ देंगे। होप कि ये जानकारी आपको समझ में आई हो। और ये काउंटिंग ऑफ लीप ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, एक बार अगर समझ जाइएगा तो बनाना बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बड़ा आसान है, सिर्फ डेट और मंथ को सेम करना है। काउंटिंग ऑफ लीप ईयर का काम बहुत छोटा है, बहुत ही आसान है। अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के किस दिन को हुआ था, मैंने बता दिया 2 अक्टूबर 1869, आपको निकालना है, ठीक है, आप इसे निकालिए, बताएं क्या आपका आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे से शेयर करें, देखता हूँ कितने लोगों का आंसर सही है।
ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत रिपीटेड भी हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट, यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एग्जाम्स में, खासकर रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसका आंसर भी डायरेक्ट मैं अपने क्लासेस में बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन एक बार आप लोग काउंटिंग ऑफ लीप ईयर के थ्रू निकाल करके देखें, ठीक है। आंसर जो भी आए, सही आए गलत आए, पैनिक होने वाली बात नहीं, आप लोग आंसर जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।